नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोलेनाथ कृपा चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी प्रदोष व्रत से संबंधित देने जा रही हूँ। हर माह में दो प्रदोष व्रत होते हैं, लेकिन इस बार सावन में चार प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं साल 2023 में सावन के महीने में कब कब प्रदोष व्रत है तथा शुभ मुहूर्त क्या है पूजा करने का। सावन और प्रदोष व्रत दोनों ही शिव को बहुत प्रिय है। सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। वैसे तो हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में दो प्रदोष व्रत होते हैं, लेकिन इस बार सावन में चार प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। सावन का पहला प्रदोष व्रत 14 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। सावन का दूसरा प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 को है। सावन का तीसरा प्रदोष व्रत 13 अगस्त 2023 को है और सावन का चौथा प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को है। इस बार सावन शुक्र प्रदोष व्रत जो कि 14 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई 2023 को रात 7:17 को शुरू होगी और 15 जुलाई 2023 को रात 8:32 पर समाप्त होगी। शिव पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रात 7:21 से लेकर रात 9:24 तक रहेगा। जो पूरी अवधि शुभ मुहूर्त है जो पूजा का प्रदोष व्रत के दिन, वह 2 घंटे 2 मिनट का है। आप भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी की विधिवत अच्छे से पूजा करें और शिव की विशेष कृपा अपने ऊपर बनाएं। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आइए अब मैं आपको प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत 2023 में जो पड़ रहा है सावन के महीने में, उसकी पूजा विधि बताती हूँ। सावन प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूजा घर में दीपक जलाना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। फिर शाम को प्रदोष काल में पूजा के समय दूध, दही, घी और गंगा जल से मिलाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प और नैवेद्य शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव की मूर्ति के पास दीपक जलाकर प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अंत में भगवान शिव की आरती करके पूजा समाप्त करना चाहिए। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन सायंकाल में जब प्रदोष काल होता है, यदि आप शिवालय में जाकर एक घी का दीपक ही जला देते हैं तो उसका इतना ज़्यादा पुण्य आपको मिलता है कि मेरे भोलेनाथ आपको अपनी शरण में ले लेते हैं। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन विधिपूर्वक शिव जी का पूजन करें, उसके बाद आरती करें और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। ओम नमः शिवाय।